बाद में पनीर वेज करी बनाऊंगी, तो चलिए बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पनीर ले ली हूँ और ये पनीर को मैं घर पे बनाई हूँ, ये देखिए। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए पनीर को घिस ली हूँ, इसमें से थोड़ा सा पनीर मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। ये देखिए इतना पनीर मैं अलग कर ली हूँ, अभी इसको एक साइड रख दूंगी। अब यहाँ पे 3 उबला हुआ आलू है, छोटे साइज में है, तो अभी इसको भी इसी में कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए बस हो गया है आलू। आलू को घिस ली हूँ। अब ये देखिए ये मैदा है, मैदा मैं 3 चम्मच इसमें डाल दूंगी। नमक स्वादानुसार, और ये जो थोड़ा सा पनीर रखी हूँ इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा। और इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये मिक्स हो गया है हल्दी। अब इसको छोटा छोटा ऐसे लोई बना लेंगे। ये देखिए गोला बना ली हूँ, अभी इसको एक साइड में रख दूंगी और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से रगड़ रगड़ के इसको मैश कर लेना है। देखिए हथेली की सहायता से इस तरह से रगड़ेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये देखिए ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे इसको और इस तरह से इसको लोई बना लेंगे गोला सा। तो बीच में गड्ढा करेंगे ऐसे। और ये देखिए इसको इसमें डाल देंगे और इसको इसे फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह से करेंगे। आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए आप बना सकते हैं, जैसे ये गोला मैं बना रही हूँ, और अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये सभी को मैंने बना लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मसाला थोड़ा सा तैयार कर लेती हूँ पीस के। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक, 3 प्याज और 2 बड़े साइज में टमाटर को कट करके रख दी हूँ। अभी मैं इसको पीस लूँगी दोनों अलग अलग, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो गया फ्रिज से, इसको मैं निकाल ली हूँ। और यहाँ पे ये देखिए प्याज और टमाटर को भी पीस के रख ली हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी। ये देखिए तेल गरम हो गया है और इसको अब मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मीडियम आंच पे आपको फ्राई करना है।
इसको भी टच नहीं करेंगे, एक तरफ हो जाएगा, उसके बाद ही इसको पलटना है। ये देखिए एक तरफ ये हो गया, अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। इसी तरह से पलट लूँगी और गोल्डन ब्राउन इसको होने तक फ्राई करना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको तेल में से निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं बाकी को भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सभी को फ्राई कर ली हूँ। ये देखिए इतना तेल नहीं चाहिए, तो तेल इसमें से और निकाल लूँगी। ये देखिए बस इतना ही तेल चाहिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल दूँगी और एक तेज़पत्ता। और इसके बाद मैं ये जो प्याज पीस के रखी थी, प्याज लहसुन और अदरक, उसको इसी में डाल दूँगी। ये देखिए प्याज को डाल दी हूँ और इसको अच्छी तरह से इसको भून लेना है प्याज को। ये देखिए प्याज हो गया है, थोड़ा सा और इसको पकने देते हैं। ये देखिए प्याज अच्छी तरह से हो गया है। अब इसमें ये जो टमाटर पीस के रखी थी, इसको भी इसमें डाल दूँगी। अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा मसाला ऐड करती हूँ। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने इच्छा अनुसार डालिएगा, जितना तीखा आपको पसंद हो उतना ही डालिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, ये देखिए। और अब इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं मसाला को। ये देखिए अच्छी तरह से ये मसाला हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखिए एक कटोरी पानी ली हूँ और इसको इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी मुझे और भी डालना है। ये देखिए आधा कटोरी और पानी इसमें डाल दूंगी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। मिक्स कर लेंगे। इसमें उबाल एक आने देते हैं। ये देखिए उबाल आने लगा है। अब ये जो बॉल्स बना है इसको इसी में डाल देना है। अब इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। देख ले रही हूँ, ये देखिए हो चुका है। अब इसमें मैं एक चम्मच ये कसूरी मेथी है, इसको इसमें डाल दूंगी। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस को कर देना है बंद। अभी इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैं एक आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। ये देखिए वेज पनीर करी बनके तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।